दोस्तों आईपीएल 2023 का दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जा रहा है। बताएंगे आपको पूरे मैच की हाईलाइट, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहां पर कोलकाता की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर की समाप्ति पर 24 रन बना लिए थे। पंजाब किंग्स की टीम को पहला झटका पर्व सिमरन सिंह के रूप में लगा, 23 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें टीम साउदी ने गुरबाज के हाथों कैच आउट कराया। 6 ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना लिए थे। शिखर धवन और भानुका अब भी पंजाब किंग्स की टीम को आगे ले जा रहे थे। भानुका राजेपक्से पंजाब किंग्स की टीम के लिए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। भानुका 21 बॉल में 37 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन 12 बॉल में 15 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। 7 ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 69 रन बना लिए थे। 8 ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने 79 रन बना लिए थे। शिखर धवन और भानुका राजेपक्से के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी और भानुका अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। मोहाली में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 1 विकेट पर 100 रन बना लिए थे। भानुका राजेपक्से लीग में अपनी पहली हाफ सेंचुरी जमाकर आउट हुए। उन्हें उमेश यादव ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराया। राजेपक्से ने कप्तान धवन के साथ 55 गेंदों पर 86 रनों की साझेदारी की। 13 ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए थे। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।